वैसे हम खुदा को नहीं जानते। If someone can help to translate for Vasi and Nicoleta, Oliver भाई अगर आप प्लीज जा सकें उनके पास, तो Brother Oliver will help you to translate the summary of today's message. आज हम जिस चीज पे गौर करेंगे वो है शादमानी, जॉय। पिछले दो हफ्ते में कलीसिया के दो बुजुर्ग जो हैं उन्होंने खिदमत की, अंकल सुराब ने इफेक्टिव प्रेयर पे और भाई रॉबर्ट ने द लाइट एंड द डार्कनेस के ऊपर कलाम की खिदमत अंजाम दी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपने बड़ी खूबसूरती से इस कमी में जब मैं मौजूद नहीं था खुदा के कलाम को बांटा है। सो आज इस चीज को हम देखना चाहते हैं वो है क्रिश्चियन बिहेवियर। मसीही रवैये में पिछली दफा जब मैंने शेयरिंग की थी तो मैंने मोहब्बत के ऊपर, लव के ऊपर चंद एक बातें की थी खुदावंद के पाक कलाम में से, और आज जब हम जमा हैं तो मैं आपके सामने चंद एक बातें जो हैं वो कोशिश करूंगा कि हम समझ सकें कि कलाम के मुताबिक जॉय, शादमानी क्या है, और हम जॉय और हैप्पीनेस जो है, शादमानी और खुशी जो है, इसमें डिफरेंस को खुदा के कलाम के मुताबिक अंडरस्टैंड कर सके। बाद लोग जो हैं वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वो सिर्फ अपने लिए जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो बाइबल मुकद्दस के लोग हैं, उनका तरीका क्या है जिंदगी गुजारने का? नंबर वन पे कौन है? खुदा। नंबर दो पे दूसरे, और नंबर तीन पे वो खुद जिंदगी गुजारते हैं। खुदा, दूसरे और आप खुद, ये खुदा के लोगों की जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका है, और वो इस तरह से ही जिंदगी जो है उसको बसर करते हैं। याद रखना है हमने कि खुदा हमारी जिंदगी में खुशी नहीं देखना चाहता, खुदा चाहता है कि हम जॉय में जिंदगी बसर करें, शादमानी के अंदर जो है वो जिंदगी बसर करें, क्योंकि जो हैप्पीनेस है उसका जो ताल्लुक है वो इर्द गिर्द के हालात के साथ है। जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, उसका ताल्लुक जो है वो बाहर की चीजों के साथ है। अगर हालात जो बाहर है वो ठीक है तो आप खुश हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो आप ना खुश हैं। गोया जो बाहर के हालात हैं वो आपकी खुशी और नाखुशी का सोर्स है। जो कुछ बाहर हो रहा है वो आपकी जिंदगी को बरहराज जो है वो छूता है और वो टच करता है, लेकिन खुदा के लोग जो हैं वो इससे आगे जिंदगी बसर करते हैं। खुदा के लोग जो हैं बाहर के हालात उनकी अंदर की जिंदगी को टच नहीं करते, बल्कि उनके अंदर की जिंदगी जो है उनके बाहर के हालात को छू सकते, और जब उनकी अंदर की जिंदगी उनके बाहर के हालात को छूती है तो बाहर के हालात जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, बाहर के हालात जो हैं उनमें चेंज आना शुरू हो जाती है। इसीलिए जो खुशी है वो बैरूनी है और जो शादमानी है वो अंदरूनी है, वो इनर साइड में मौजूद होती है। जो शादमानी है वो आपके अंदर मौजूद होती है,
और अंदर कौन है? मसीहों के, खुदा के लोगों के अंदर कौन है? खुदा के लोगों के अंदर यीशु। चूंकि खुदा के लोगों के अंदर यीशु रहता है, इसलिए उनके अंदर शांतवाणी रहती है। और चूंकि यीशु अबदी है, चूंकि यीशु दायमी है, इस वजह से खुदा शादवानी है वो भी दायमी है, वो एवरलास्टिंग है, क्योंकि जो आपके अंदर रहता है वो एवरलास्टिंग। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपना इत्मीनान अंदर, क्या आपके इनर पीस। मसीह ने क्या कहा? मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता, मैं अपना पीस तुम्हें दिए जाता हूं, दुनिया वो तुम्हें नहीं दे सकता। योना के झील के 14वें बाब का पढ़िए, और उसमें ये बातें खुदा यीशु मसीह ने कहीं शागिर्दों से, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देके जा रहा हूं, वैसे नहीं जैसे दुनिया देती है, क्योंकि दुनिया बाहर है, जो कुछ वो देती है आपको खुश करने के लिए वो बैरूनी है, वो जिस्मानी है, वो नफसानी है, वो वक्ती है, वो खत्म हो जाने वाला है। लेकिन जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं वो अंदरूनी है, वो अंदर रहेगा, वो अबदी है, वो हमेशा रहेगा, और वो इत्मीनान, वो शादमानी मैं तुम्हें देके जा रहा हूं, दुनिया वो नहीं दे सकती, क्योंकि जो आपके पास है नहीं वो आप किसी को दे नहीं सकते। आप किसी को वही दे सकते हैं जो आपके पास है, और जो आपके पास है वो कौन है? यीशु है। इसलिए जिनके पास यीशु है वो लोगों को यीशु दे सकते, जिनके पास यीशु है, उनके पास इत्मीनान है, वो उसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, दुनिया नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया के अंदर क्या है? दुनिया के अंदर जो है वो लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, तफरके हैं, हसद है, बुगज है, लड़ाइयां हैं, और एक दूसरे के साथ इस तरह के मामलात है, प्लीज दुनिया के अंदर रहता है। जिसका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है उसका ताल्लुक प्लीज के साथ है, चाहे वो माने या ना माने। सो चूंकि अंदर जो है वो खुदा नहीं है, अंदर मसीह नहीं है, इसलिए उनकी जिंदगी में शादमानी नहीं हो सकती। और इसीलिए जो हवाला पढ़ा गया हबकूक की किताब अंग्या असगर में से, हबकूक ये बड़ा मशहूर हवाला है, 30वें बाब की 17, 18 और 19 आयत पढ़ी गई है, और उसमें हबकूक नबी क्या कहता है? वो कहता है कि अगर अंजीर का दरख्त ना फले, खेतों में फल पैदा ना हो, मुआयशी चले जाए, ताक में फल ना लगे, ये सारी बैरूनी चीजें किस चीज को प्रेजेंट कर रही हैं? दौलत को, पैसे को, बिजनेस को, जॉब को, चीजों को प्रेजेंट कर रही हैं। वो कहता है अगर ये सब कुछ चला जाए, इनमें से कुछ भी बाकी ना रहे, तो मैं खुदावन में खुश रहूं। एक्चुअल वर्ड वहां पे क्या है? मैं खुदावन में शादमान रहूंगा, मैं खुदावन में मुतमईन रहूंगी। मेरी जिंदगी का जो सोर्स है, आपकी शादमानी का सोर्स खुदा है, और आपकी खुशी का सोर्स जो है वो क्या है? आपकी खुशी का सोर्स जिस्मानी चीज है। चूंकि जिस्मानी चीजें बढ़ती हैं, वो जा सकती हैं, वो खत्म हो सकती हैं, इसलिए आपकी हैप्पीनेस, खुशी भी खत्म हो सकती है। और चूंकि आपकी शादमानी का सोर्स मसीह है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए आपकी शादमानी भी कभी खत्म नहीं हो सकती। हैप्पीनेस के ताल्लुक से याद रखिए कि जिस तरह खुशी, हैप्पीनेस वक्ती है, इसी तरह नाखुश हालात भी, वो भी वक्त है, टेम्परेरी, ये सब कुछ थोड़े वक्त के लिए है। अगर आपकी जिंदगी में बुरे हालात हैं, आप नाखुश हैं, डोंट वरी, वो परमानेंट नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में, इस मोबाइल के नीचे एक होगा बटन, कोई उठा के जिनके पास एप्पल के मोबाइल है उसके साउंड को बंद कर दें, इट्स पॉसिबल, अगर नहीं तो इट्स ओके। सो
हमारी जिंदगी जो है वो बाहर की चीजें जो हमारे पास है, बाहर की चीजें जो हमारे सामने है, उनके ऊपर मुनहसर नहीं है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती। खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस तालुक से बात की, कौन सी चीजें हैं जो हमारी शादमानी को खत्म कर सकती है। उनमें से सिर्फ एक बात है जिसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्सप्लेन करूंगा। सात बातें हैं जो हमारी शादमानी, जो अंदरूनी इत्मीनान है, इनर पीस है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो कौन सी हैं? पहली चीज जो हमारी शादमानी छीन सकती है वो है गुनाह। आदम और हवा को खुदा ने अदन में रखा, एक कमाल शादमानी के अंदर रखा, गुनाह है, उसकी शादमानी जाती रही। नंबर दो, हमारी जो बुरी तरह से जिंदगी, बैड लिविंग जो है, वो हमारी शादमानी को खत्म कर सकती है। नंबर तीन, जो हमारी गंदी जुबान अगर यूज करते हैं, बैड लैंग्वेज जो है, वो आपकी खुशी को बर्बाद कर सकती है, आपकी शादमानी छीन सकती है। नंबर चार, बैड कंपनी, बुरी सोच जो है, वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती और आपके अंदर से जो शादमानी है, खुदा का इत्मीनान, गॉड्स पीस जो है, वो आपको छोड़ देता है, वो आपकी जिंदगी से जाता रहता है। पांचवी बात, जो बैड थॉट्स है, बुरे ख्याल, घनौने ख्याल, गंदे ख्याल, वो आपकी इनर पीस को, शादमानी को छीन लेते हैं। और छठी बात, बुड़बुड़ाहट और शिकायत, कंप्लेंट्स, और जब हम बुड़बुड़ाते हैं मुख्य चीजों पे, ये चीज हमारी शादमानी छीन लेती है। और सातवीं और आखिरी बात बहुत छोटी है, ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करते हैं, पहली छह चीजें हमें पता होता है करते वक्त भी कि ये चीजें जो है ये करेंगे तो ये खुदा को पसंद नहीं है। इसके बारे में मैं प्रीच कर भी सकता हूं, करूंगा भी, यू ऑलरेडी नो दैट, आपको पता है, जब भी आप ये करेंगे, जब भी मैं ये करूंगा, मुझे पता है मैं ये बुरा कर रहा हूं, मैं गुनाह कर रहा हूं, खुदा की शादमानी छिन जाएगी। लेकिन सातवीं बात ऐसी है जो हम इसको उस जिमरे में, उस शिप में, उस शर्त पे काउंट के नहीं करते कि खुदा की ये मर्जी नहीं है। और वो सातवीं बात कौन सी है? फिकर, वरी। यीशु ने इसके बारे में क्या कहा? मुकद्दस मत्ती के झील उसका छठा बाब और उसकी 25 आयत से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, कौन कह रहा है? खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिकर ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते ना काटते ना कोठरों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की माने मुलव्वस ना था। पर जब खुदा मैदान के घास, कहां का घास? मैदान का, जमीन पे उगने वाला घास, मैदान के घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो एक उत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। बार बार इस जगह पे खुदा यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ तो एक लफ्ज, एक नुक्ता, एक डॉट जो है वो टल नहीं सकता। और ये पूरा पैसेज खुदावन ने कहा और उसकी हेडलाइन क्या थी कि फिकर नहीं करनी तुमने, डोंट वरी। और हम जो है वो फिकर करते हैं और इस तरह करते हैं जो अनबिब्लिकल है। खुदावन ने कहा कि तुमने
खुदा के इत्मीनान को और खुदा की शादमानी को छीन लेती है। क्यों खुदा ने का फिक्र नहीं करनी? इसलिए नहीं करनी, एक तो खुदा मौजूद है खुद आपके साथ, और दूसरा फिक्र करके आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर सकते हैं फिक्र करके? नहीं कर सकते। आप किसी चीज को बढ़ा सकते हैं अपनी जिंदगी में फिक्र करके? नहीं बढ़ा। हाँ एक चीज बढ़ा सकते हैं, ब्लड प्रेशर आप जरूर बढ़ा सकते हैं, शुगर जरूर बढ़ा सकते हैं, फिक्र करके आप कुछ नहीं कर सकते। ये खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है कि तुमने फिक्र नहीं करनी। और उसके लिए खुदा यीशु मसीह ने जमीन पे खड़े होके मिसाल क्या दी? खुदा ने कहा कि हवा में उड़ने वाले परिंदों को देखो। तुमने परिंदों को देखना है जो हवा में उड़ते हैं, वो ना काटते हैं ना बोते हैं ना जमा करते हैं ना बैंक बैलेंस रखते हैं ना कुछ और करते हैं, तो भी सब कुछ उन्हें मिलता है। हम जमीन में बैठे हुए हैं, हम फिक्र कर रहे हैं और आपके ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं, तो परिंदे क्या कर रहे हैं? परिंदे खुदा का रेवलेशन है आपके लिए, परिंदे ईमानदारों के लिए खुदा का पैगाम। वो बेफिक्र उड़ रहे हैं और पैगाम ये दे रहे हैं फिक्र करने वालों को, हमारी तरफ देखो। हर वक्त परिंदे कहते हैं जिसको तुम मानते हो खुदा यीशु मसीह हमें पॉइंट आउट करके गया है, हमें देखो, गौर करो हमारी जिंदगी पे। और इसमें खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हवा में उड़ने वाले परिंदे, उसमें परिंदे की खास बात क्या है कि वो हवा में उड़ सकता है। वो उस जगह पे है जहां पे खुदा ने उसको रखा है। पैगाम ये है इसमें खुदा यीशु मसीह की बात में कि आप अगर उस जगह पे हैं जो खुदा ने आपके लिए रखी है, तो खुदा की शादमानी आपके अंदर रहेगी। जब खुदा की शादमानी रहेगी, हालात बाहर तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। हम बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं, खुदा अंदर से बाहर की तरफ देखता है। हम चाहते हैं बाहर चेंज आए ताकि मेरे अंदर कुछ ही शादमानी आए, खुदा कहता नहीं, अंदर पहले शादमानी और कुछ ही आएगी मेरे वसीले से, तो बाहर सब कुछ तब्दील हो जाएगा। डिपेंड करते हैं हम हालात के साथ एग्री करते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस के साथ एग्री करते हैं। खुदा ने कहा कि इन परिंदों को देखो, ये हवा में, ये वो जगह है जो खुदा ने इनके लिए रखी है। जब आप उस जगह पे जाएंगे जो खुदा ने आपके लिए रखी है, तो खुदा का हाथ आपके लिए मूव करेगा, फिर खुदा आपके लिए मूव करेगा। जब आप उस जगह पे नहीं है जो खुदा ने आपके लिए रखी है, जब आप उस जगह पे वो काम नहीं कर रहे जो आपको खुदा की तरफ से करना चाहिए, तो खुदा भी आपके लिए वो नहीं कर सकता जो उसको आपके लिए करना है। गोया फिक्र करके हम खुदा को खुद ब्लॉक कर देते हैं, फिक्र करके हम खुदा को रोक देते हैं, हम उसे स्ट्रक कर देते हैं कि वो हमारी मदद ना कर सके। हम सोचते हैं वो तो खुदा है। जैसे माँ बाप बच्चे गड़बड़ भी कर रहे हो, हम पता हो गलत कर रहे हैं, तो हम जाकर उनकी मदद करते हैं, तो खुदा ऐसा क्यों नहीं करता? जी नहीं, जब बच्चे आपकी मदद ना लेना चाहे, एक हद तक एक जगह तक आप उनकी मदद करते हैं, उसके बाद अगर वो ऐसा बड़े हो गए फैसला करें जो आपको पता है ये बुराई की तरफ लेके जाएगा, ये बाद में पेन पैदा करेगा, ये बाद में मुश्किल पैदा करेगा, ये बाद में ट्रबल पैदा करेगा, लेकिन अगर बच्चा बसीद है उसको करने के लिए, आप कुछ नहीं कर सकते। आप रो तो सकते, इसलिए खुदा के कलाम में यर्मे की किताब में क्या लिखा है, मैं आंसू बहाता हूं खिलवत खानों में छुप छुप के, क्योंकि आप तो उसको देख नहीं रहे, वो आपके लिए छुपा हुआ है। तो खुदा कहता है मैं आंसू बहाता हूं अपनी बिलते कौम पे शब रोज, सुबह और शाम जो है मेरी आंखें जो है वो नहर की तरह, चश्मों की तरह मेरी आंखों से पानी जारी है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता नहीं, इसलिए कि आप उसको करने नहीं दे रहे जो वो कर सकता आपके लिए। आपने ब्लॉक कर दिया उसको, आपने अपने सामने फिक्र की दीवार खड़ी कर दी है, आपने अपने सामने ऐसी चीज बिल्ड कर दी है जिसको खुदा क्रॉस नहीं कर सकता, और जो मदद वो आपके लिए भेजना चाह रहा है वो उसमें से पेनिट्रेट नहीं कर सकता। आदम और हवा की मैं अक्सर मिसाल देता हूं,
जब उन्होंने फैसला कर लिया हवा ने कि वो इब्लीस से बात करेगी, वो उस पल के लिए देखेगी, उस पे गौर करेगी, तो क्या खुदा को नहीं पता था आसमान पे बाग एदन में क्या हो रहा है? यस ही नोस। क्या वो नहीं जानता था कि हवा ये फल खाना चाहती है और ये भी खा सकती है और भाई ये खा ले? यस ही नोस। याद रखिए, आपका आने वाला कल खुदा का आज है, क्योंकि खुदा मुस्तकबिल का खुदा है। ही नोस व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुमारो। आपका आने वाला कल खुदा का आज। ही नोस के ये क्या करेगी भाई, डिडंट इंटरफेयर। उसने आपको आजाद मर्जी दी है, वो मुदाखलत नहीं करता। सो उसने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, गौर करो इनकी जिंदगियों पे। थोड़ी सी जिंदगी है, कोई पता नहीं कब हालात, तूफान, शिकारी, कोई भी चीज उनको मौत के घाट उतार, बेफिक्र होकर उड़ते हैं। जगह जो है खुदा ने उनके रखी, वो उसमें रहते हैं और वो कामयाब है, बेफिक्र है। मौत तो एक दिन आनी है, सब पे आनी है, उससे तो कोई भाग नहीं सकता। फिर खुदा ने कहा कि जंगली सोसन को, फूलों को देखो, मैदान की घास को देखो। ये फूल और ये घास कहां पे होती है? जमीन के ऊपर। उनकी जगह कौन सी है? जमीन। जब तक वो जमीन में चीजें लगी हुई हैं, वो खूबसूरत है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा उनको, खुदा ने कमाल पोशाक पहनाई हुई है, दे आर नॉट नेकेड। उनको खुदा ने ऐसी कलरफुल फूलों को, पत्तों को, घास को, आप नेचर को बाहर निकल के देखते हैं, अक्सर आपको तस्वीरें भी लगाते हैं। वो खूबसूरत नेचर क्या बता रही है मुझे? वो आपको ये बता रही है, मुझे ये बता रही है, खुदा ने हमारी पोशाक का इंतजाम किया, हम नंगे नहीं हैं। और कैसी पोशाक? कंपैरिजन देखिए आप, बाइबल की शायरी, खुदा यीशु मसीह की पोएट्री देखिए आप, और वो पोएट्री ख्याली है, तसव्वुराती है? नहीं, वो पोएट्री हकीकी है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह क्रिएटर है, वो मुजस्सम कलाम है, उससे सब कुछ क्रिएट हुआ है। पोएट्री क्या कर रहा है खुदावन? पोएट्री हमारे लिए है। खुदावन क्या बता रहे हैं? ये जिन चीजों को आप देखते हो, जिनकी तस्वीरें लगाते हो, जो पोशाक पहनाई है हमारे फूलों को, फलों को, पौधों को, घास को, ये पोशाक इतनी कमाल है कि सुलेमान बादशाह सारी दौलत के बावजूद ऐसे कपड़े नहीं पहन सके। तो दुनिया में कौन है जो पहन सके? तो कहता है जब मैंने इनको ऐसी पोशाक बनाई है सुलेमान बादशाह से बढ़कर, तो मैं तुम्हें ही नहीं पहनाऊंगा। जिनको मैंने खरीदने के लिए क्या किया है? आई पेड विद माय ओन ब्लड, मैंने अपने खून से आपको खरीदा है, तो मैं तुम्हें ही नहीं दूंगा। तो कर क्या रहे हैं हम फिकर? दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। जब खुदा यीशु मसीह जमीन पे आए, ईमानदारों से मिले, खुदा के लोगों से मिले, he was astonished। खुदा के लोग और फिकर नहीं करना, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं करना। दुआ करें, रोजा करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं उसके हजूर में, इसलिए कि हमें बाहर की चीजें मिल जाए? नहीं, बाहर की चीजों के लिए नहीं। अगर आप बाहर की चीजों के लिए सब कुछ करते हैं, तो याद रखें आप खुदा नहीं ढूंढ रहे, आप खुदा में अपने मसले का हल ढूंढ रहे हैं। और खुदा क्या चाहता है? हम उसकी तलाश करें। खुदा चाहता है हम खुदा ढूंढे, हम खुदा में मसले का हल ढूंढते हैं, तो ना हमें मसले का हल मिलता है, ना हमें खुदा मिलता है। खुदा हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमने खुदा ढूंढा नहीं, और हल हमें इसलिए नहीं मिलता कि हल तो खुदा ने करना है, वो हमें नहीं मिला तो हल भी नहीं मिला। आर यू विद मी? सो इसलिए मुझे और आपको खुदा ने कहा कि इनको देखो, फिक्र नहीं करो। हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगियों में बहुत सी चीजें हैं, बहुत से एरियाज हैं, बहुत से पोर्शंस हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
खुदा पे फोकस करें, मसीह पे फोकस करें, सलीब पे फोकस करें, उसकी मोहब्बत को जानने की कोशिश करें, उसकी तरफ अपने दिमाग को लगाए रखें। आप हैरान हो जाएंगे जब खुदा मूव करेगा। चीजों को मत ढूंढें, खुदा को ढूंढें। यीशु मसीह ने इसी आयत में आगे कहा है, क्या तलाश करो खुदा की, खुदा को, उसकी बादशाह को तलाश करो। आपने अपने खुदा से बातचीत करनी है। कैसा रेवलेशन दिया खुदा ने आए हमारे बाप के अंदर। बोले जरा आए हमारे बाप का पहला जुमला, बोले मिलके सारे, आमीन। तू जो हमारा सोर्स, जिससे हमें काम है, वो जमीन पे नहीं आसमान के ऊपर। खुदा चाहता था कि हम ये जान जाएं कि जिससे हमें काम है, जो हमारा मददगार है, वो तो जमीन का है ही नहीं। इसलिए जमीन और जमीन की हालात और जमीन की चीजों का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, वो आसमान है। वहां से आपकी मदद आती है। मेरी कुमक आसमान से, मेरी कुमक ऊपर से। सो खुदा ने कहा कि आपने फिक्र नहीं करना। ये हमारी अंदरूनी शादमानी और अंदरूनी इत्मीनान को छीन लेती है और हमें कुछ भी मुयस्सर नहीं होता, ना खुदा मिलता है ना हल मिलता है। इसलिए खुदा ने इस बात को खास अपने शागिर्दों को बताया कि इन पौधों को देखो, फूलों को, फलों को देखो। वो कहां पे लगे हैं? मैदान में, जमीन में लगे हुए हैं। आप किसी भी खूबसूरत अच्छे से अच्छे बीज पौधे को लेके टायर के ऊपर या इस फर्श के ऊपर लगा दें, वो कभी फल लेके आएगा? विद इन आवर्स वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको दुरुस्त जगह पे प्लांट नहीं किया। मुझे और आपको दुरुस्त जगह पे प्लांट होना है। जब हमारी प्लांटेशन, जब हम दुरुस्त जगह पे, दुरुस्त जमीन पे बो दिए जाएंगे, तो फिर हमारी जिंदगी में काम होगा। इसलिए खुदावंद ये चाहता है मेरे से और आपसे कि हमारी जिंदगी में खुदा की शादमानी और उसकी इलाही बरकत जारी हो। और उसके लिए वो कहता है कि तुमने फिक्र नहीं करना। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुका के चंद लम्हों के लिए खुदा की बातों पे गौर कीजिए।